हेलो दोस्तों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने परिवार ऑफिशियल डेबी क्लासेस में। दोस्तों आज हम एक बेहतरीन से टॉपिक की बात करेंगे, जिस टॉपिक की यूनिट चल रही है योर वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। और इसमें मैंने आपको करा दिया था लास्ट क्लासेस में वेव फ्रंट के बारे में एक्सप्लेनेशन मैंने करा दी थी, मैंने आपको न्यूटन्स के पार्टिकुलर थ्योरी के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब इससे आगे की बात करते हैं। आशा है आप बहुत मजेदार तरीके से हमारी वीडियोस पढ़ रहे होंगे और अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, और टारगेट है हमारा 2023, ठीक है, जिसके लिए सभी स्टूडेंट्स को अभी से शुभकामनाएं देना चाहता हूं और लग जाएंगे तैयारी में जोरों शोरों के साथ, ठीक है। यूपी प्लस सीबीएसई दोनों बोर्ड्स यहां पर अच्छे से अपनी स्टडी को मेंटेन कर सकते हैं। हिंदी वाले बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम आती है या इंग्लिश वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको एज अ सजेशन भी आप लोग हमको दे सकते हैं, ठीक है। आपकी एक एक बात को यहां पर समझा जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे आज के टॉपिक की। देखें जरा, मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट के बारे में। वेव फ्रंट क्या होता है जल्दी जल्दी से फटाफट से रिपीट कर दें, क्या होता है वेव फ्रंट जल्दी से एक बार रिवाइज कर दें। लास्ट क्लास रिवाइज करके आना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, ये मैंने आपको रूल अपनी क्लास का बता दिया था, ठीक है। जो भी बच्चे नए आए हैं वो लास्ट क्लास रिवाइज करके जरूर आए, ठीक है, जिससे आपकी आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, ठीक है, जिससे आपको भी मजा आएगा और मुझको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चले बच्चा, तो वेव फ्रंट के बारे में टाइप्स मैंने आपको बता दिया था, स्फेरिकल बता दिया था, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मैंने आपको बता दिया था, प्लेन वेव फ्रंट मैंने आपको बता दिया था, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी की इक्वेशन मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। चलिए इससे आगे की बात कर लेते हैं। देखें जरा, आज कुछ नए टॉपिक हम लेकर आए हैं आपके लिए जहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। देखेंगे जरा, टॉपिक का नाम है हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस प्रिंसिपल इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, चले जरा। अब अगर हम हाइगेंस की बात कर लें तो हाइगेंस ने क्या बताया था, देखो जी, हाइगेंस ने वेव के बारे में बड़े अच्छे अच्छे अपने थ्योरम दिए हैं, है ना। और हाइगेंस ने अपने रूल की अपनी थ्योरी सेकेंडरी वेवलेट्स यानी वेव फ्रंट के ऊपर जो उसने थ्योरी दी थी, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हाइगेंस ने प्रूफ किया था रिफ्लेक्शन के थ्योरम को और रिफ्रेक्शन के थ्योरम को। जहां से एक बढ़िया क्वेश्चन यहां पर हमारे एग्जाम में बनता है कि डिस्क्राइब द एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेकंड बनेगा डिस्क्राइब द एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रेक्शन, ठीक है। दोनों को आपको प्रूफ करना है हाइगेंस के बेस पर, ठीक है। और दोनों के लिए मैं जानता हूं क्या कि रिफ्लेक्शन को प्रूफ करने के लिए मेरे पास क्या बात होनी चाहिए, जल्दी से बता दें। रिफ्लेक्शन का रूल मैंने आपको क्या बताया था, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी कि इंसिडेंट एंगल इक्वल टू किसके होगा, रिफ्लेक्टिंग एंगल के होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। ये बात अगर हम लेकर क्या जाते हैं डेरिवेशन के एंड में तो प्रूफ हो जाएगा। और रिफ्रेक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जल्दी से रिवाइज कर दें, करके बताएं जल्दी से। रिफ्रेक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि इंसिडेंट एंगल का साइन रेशियो विद द साइन ऑफ रिफ्रेक्शन एंगल, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1/2 के अगर इक्वल हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, रिफ्रेक्शन बन जाएगा। दोनों बातें हम यहां पर प्रूफ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कि हाइगेंस के प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, ठीक है। हाइगेंस ने कौन कौन से प्रिंसिपल्स यहां पर दिए गए हैं, ठीक है, देखेंगे इसके बारे में। देखेंगे आप अकॉर्डिंग टू, सारे पीडीएफ आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको बता दिया था, ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस 10th एंड 12th के नाम से ग्रुप बनाया गया है, वहां पर आपको सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। जो नहीं मिल रही है आप उसके लिख कर टेस्ट कर दे, है ना, लिख करके आप वहां पर टेक्स्ट कर सकते हैं, आपको तुरंत पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी, टॉपिक भी डालेंगे टॉपिक की भी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। लिंक भी मिल जाएगा, लिंक तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, बाकी पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स हैं, बड़े प्यारे नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, वो आप इजिली लैंग्वेज में लिख करके बनाए हैं, किसी को भी दिक्कत पढ़ने में नहीं होगी, ठीक है। चलिए बच्चा आगे की बात कर लेते, तो अकॉर्डिंग टू हाइगेंस अब हाइगेंस ने क्या बात बताई है, हाइगेंस ने ये कहा है क्या कि जितनी भी सेकेंडरी वेवलेट्स होंगी आर मूविंग
perpendicular from the surface. यानी कि जो सरफेस होगा उस सरफेस से सेकेंडरी वेवलेट्स कैसे एमर्ज होंगी, परपेंडिकुलर होंगी. ठीक है, समझ में आ रही है बात. और याद रखना ये तो मैंने आपको बताई दिया था. और ये सारी की सारी जो वेव्स हैं प्रोपोगेटिंग विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जितनी भी वेवलेट्स होंगी, जितनी भी तरंगे होंगी, ये सब जो गति करेंगी प्रकाश के वेग से गति करेंगी. समझ में आ रही है बात, क्लियर बात समझ में आ रही है. देखें जरा इसको लिख सकते हैं कि हाइगेंस के अनुसार जो द्वितीय तरंगिका है, अभी द्वितीय तरंगी सेकेंडरी वेवलेट्स नाम कहां से आ रहा है बार बार इसको मैं आपको समझा देता हूं. देखें जरा कैसे, जैसे मैंने बताया, देखो इसको मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं. लेट कैपिटल एस इज अ सोर्स ऑफ लाइट. क्लियर बात समझ में आ रही है. यहां पर मैंने एक सोर्स मान लिया एस, ठीक है, समझ में आ रही है बात. अब क्या बताया यहां पर, और मैंने यहां पर एक बात कही है क्या, नाउ देयर इज अ वेव फ्रंट ए बी इन फ्रंट ऑफ सोर्स. देखो जरा कैसे, यहां तक क्लियर है, थोड़ा इधर कर लो स्क्रीन है ना, ये लाइट ऑफ सोर्स है जहां से रेज निकलेंगे. समझ में आ रही है बात. और इसके सामने मैंने क्या माना है, देखो इस तरीके से मैंने एक वेवलेट्स मैंने यहां पर लिया है, ठीक है, जिसका नाम नेम क्या है ए और बी. क्लियर बात समझ में आई. अब इसी के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने मान लिया पॉइंट नंबर वन है ये ए यहां है, ठीक है ना, उसके बाद यहां पर पॉइंट नंबर टू है, यहां पर पॉइंट नंबर थ्री है, यहां पॉइंट नंबर फोर, दैट इज फाइव, दैट इज सिक्स, दैट इज सेवन, दैट इज एट, दैट इज नाइन एंड दैट इज टेन. ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख लेंगे आप. इतनी बात क्लियर है, ये कोई वेवलेट है, वेव फ्रंट है, तरंगाग्र है. हिंदी वाले से बच्चे ध्यान रखेंगे आप, ये क्या है, तो वेव फ्रंट बना हुआ है जिसके सामने क्या है सोर्स, ये सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का स्रोत है जिससे तरंगे चल रही है. तरंगे भी तो कहीं ना कहीं से इमर्ज होंगी ना, तो इमर्ज कहां से होंगी, सोर्स से होंगी. और कहां पर जाएंगे ये तरंगे चल करके इन पॉइंटों के ऊपर जाएंगे, पूरा का पूरा वेव फ्रंट बना देंगे ए बी. इतनी बात समझ में आ रही है. अब ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स नाम आ रहा है बार बार, देखो ये सेकेंडरी वेवलेट्स जो नाम आ रहा है, ये सेकेंडरी वेवलेट्स क्या है, देखो वेवलेट्स एक तो ये है जो यहां से यहां पर चलेगी. अब सेकेंडरी का मीनिंग क्या हुआ, यहां से जो वेवलेट्स आगे चलेंगे. समझ में आ रही है बात. हर वेवलेट्स के ऊपर जितने भी पार्टिकल होते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि वेवलेट्स के पार्टिकल मूविंग करते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस. इस सरफेस पे जितने भी पार्टिकल रखे हुए होंगे बच्चा, ठीक है, वो सारे के सारे पार्टिकल क्या करेंगे, परपेंडिकुलर मोशन करना स्टार्ट करेंगे. और परपेंडिकुलर मोशन करके क्या बनाते हैं, वो रेडियस. देखो जैसे मैंने क्या कहा, देखो मैंने यहां पर एक बात मैं लिख देता हूं, क्या यहां से एक बात ध्यान देंगे आप, ठीक है, इसमें लिख, इसको लिख लेंगे आप, द वेलोसिटी ऑफ वेव्स आर वी. कितनी वेलोसिटी मैंने मानी है, वी वेलोसिटी मैंने यहां पर मानी. क्लियर बात समझ में आ रही है, ठीक है. देखेंगे यार, अब यहां पर लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू हाइगेंस. हाइगेंस ने क्या बात कही है यहां पर, देखो जरा, इमर्जिंग सेकेंडरी वेवलेट्स. देखो जितनी भी सेकेंडरी वेवलेट्स यहां पर इमिट्स होंगी, ये सारे की सारी वेवलेट्स जो होंगी वो कहां से स्टार्ट करेंगे, देखना जरा, मूव फ्रॉम द सरफेस ए बी. ये सारी की सारी ए बी, ये जितने भी पॉइंट बने हैं ना ए बी के ऊपर, ये सब क्या होंगी, ये मोशन करना स्टार्ट करेंगे ऐसे. ये देखो, यानी अपने जहां पर इनका प्लेस था उस प्लेस से कुछ आगे आ जाएगा.
कितना आ गया है ये भी मैं आपको भी बताता हूं। देखो ये सारे के सारे वेवलेट्स चल करके परपेंडिकुलर अपने सरफेस के थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। क्लियर बात समझ में आई? ठीक है, अब ध्यान देंगे आप, दीज वेवलेट्स ट्रेवल डिस्टेंस इन टाइम टी। दैट इज देखना जरा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? हमको पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना गेन किया डिस्टेंस में निकाला, तो वेलोसिटी कितना गेन किया देखना जरा, ऊपर मैंने बताया वी वेलोसिटी है वी इंटू टी। इतनी बात समझ में आ रही है? और v इंटू टी ये जो डिस्टेंस यहां पर गेन की है, ये डिस्टेंस कौन सी है जो यहां से चल करके यहां पर आए हैं, और यहां पर क्या बना देंगे एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं। देखो यहां से हर पार्टिकल क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा। रेडियस क्या रहेगी? रेडियस याद रखना v इंटू टी रहेगी, ये रेडियस है जो जिस रेडियस का एक सर्कल बना है वो है। इतनी बात आपको क्लियर आ रही होंगी? ठीक है, अब इसी बात को हम यहां पर नोट करेंगे। क्या बात नोट करेंगे देखना जरा, इसी बात को अगर हम नोट करें तो देखना जरा। देखो नाउ every point makes a circle of radius v into t। क्लियर बात समझ में आ रही है? और सभी का रेडियस जो है ये बन गया है। अब यहां याद रखना, now we will connect all point each together, then we will get a new wavefront that will be called secondary वेवफ्रंट। क्लियर आ रही बात समझ में? देखा देखो मिलाना कैसे, इसको आगे तक लेके जाना है एरो का निशान, इसको आगे तक लेके जाना है एरो का निशान। ये ए था, अब यहां पर क्या पॉइंट बन गया, ए डैश बन गया। अरे बस सुन, और यहां पर पॉइंट बन गया क्या, बी डैश बन गया। तो हमारे पास पहला वेवफ्रंट क्या था, नाउ वी विल इन स्टार्टिंग वी हैव ओनली वन वेवफ्रंट दैट कॉल्ड बी वेवफ्रंट ए बी, एंड ईच पार्टिकल ऑन द फर्स्ट वेवफ्रंट ए टू बी दैट इज 1 2 3 एंड सो ऑन 10। Each particle has a distance of a v into t. That will be that distance will be called as a radius. Now, each particle make a circle of radius of v into t. Then, if we join all points on the wavefront AB, that we will get a new wavefront A dash B dash. समझ में आ गई बात? सारा क्लियर हो गया, बहुत सिंपल इजी इंग्लिश, बहुत सिंपल। कुछ बच्चों को गड़बड़ आती है कि भैया हम इस स्टोरी को पूरे के पूरे लंबी चौड़ी रामायण, और बिल्कुल नहीं लिखना है। फिजिक्स के अंदर लॉजिक आपका, लॉजिक के ऊपर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। समझ में आ रही है बात? जो आपके टीचर या आपका इन्वेस्टिगेटर, जो आप जो भी आपके इन्विजिलेटर, जितने भी आपके कॉपी वगैरह चेक करेंगे, दोस्तों फिजिक्स के अंदर केवल फंडा,
फिजिक्स मतलब फंडा, फंडे के ऊपर आपको नंबर मिलेंगे। आप उल्टी सीधे चीजें लिख करके आएंगे तो ये बायोलॉजी या हिस्ट्री ज्योग्राफी तो है नहीं, जो ना लिखे हुए भी नंबर आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कम लिखे कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो डेरिवेशन वाला, हालांकि इसमें तो डेरिवेशन नहीं है, इसमें तो आपको थ्योरी ही लिखनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि प्रिंसिपल्स में तो थ्योरी लिखी जाएंगे, बाकी आगे जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे जिनमें आपके आप थ्योरी नहीं भी लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, मार्क्स फिर भी आपको कंप्लीट मिलेंगे, ये बात याद रखना। समझ में आ रही है बात, क्लियर है बात। जब 50-60 कॉपी चेक करने के बाद एक नई सी कॉपी निकल के आती है ना, जिसमें इस तरीके की थ्योरी लिखी हुई होंगी, बिल्कुल बेहतरीन करके एकदम रिफ्रेश मार के, तो तुरंत झटाक से नंबर मिलेंगे आपको। समझ में आ रही है बात, इज दैट क्लियर? तो चीजें आपको समझ में आ रही है, ये आपको तो सेकेंडरी वेवलेट समझ में आया, सेकेंडरी वेवलेट प्राइमरी वेवलेट से ही बनेगा, जो स्टार्टिंग में आपने लिया था। बस ईच पार्टिकल क्या करेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेगा, सर्कल बनाएगा और उसी सर्कल पे क्या करेगा, काम करना स्टार्ट करेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है इतनी बात? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता जल्दी, जल्दी से बता दे यहां तक किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो किसी को भी, आपको समझ में आ गई होंगी प्रिंसिपल्स, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। सेकेंडरी वेवलेट्स ये थोड़ी आप यहां लर्न करेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स आर मूविंग परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस एंड प्रोपोगेटिंग विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। नाउ एस इज द सोर्स ऑफ लाइट, देयर इज अ वेव फ्रंट ए बी इन फ्रंट ऑफ सोर्स, द वेलोसिटी ऑफ अ वेव आर वी अकॉर्डिंग टू द हाइगेंस इमर्जिंग वेवलेट्स मूव फ्रॉम द सरफेस ए बी। नाउ द सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल अ डिस्टेंस टी इन टाइम, इन टाइम टी, टाइम टी में वी इंटू टी त्रिज्या का प्रत्येक बिंदु एक व्रत बनाएगा और उन व्रतों के उच्चतम बिंदु को मिलाने पर एक आपको विशेष प्रकार का एनवलोप मिला दिखाई देगा। एनवलोप यानी दूसरा रूप, दूसरा चित्र आप बोल सकते हैं, समझ में, एक स्मृति आप बोल सकते हैं, एक एनवलोप आपको दिखाई देता है और यही एनवलोप क्या बनता है, प्राथमिक वाले वेव फ्रंट तरंगाग्र का क्या बनेगा, एक नया तरंगा द्वितीय तरंगी का आपको दिखाई देगी। समझ में आ रही है बात, क्लियर है बात, मजे में एकदम बढ़िया समझ में आ रही है बात चीजें आपको, बिल्कुल मैं खेल खेल में आपको चीजें समझ रही है। कम पढ़े मैंने आपको क्या बताया, थोड़ा कम पढ़े कोई बात नहीं चल जाएगा। समझ में आ रही है बात, ऐसा नहीं आज ही सब कुछ निपटा देना है, वो समय भी आएगा जिस दिन एक ही दिन में आपको वन शॉट में सब कुछ निपटाना होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है, चले आगे देखेंगे इधर आगे। इससे आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, देखिए जरा नेक्स्ट पॉइंट तो देखते हैं इसका। अब हाइगेंस की थ्योरी तो हमने पढ़ ली, लेकिन इस हाइगेंस की थ्योरी का यूज कहां पर होगा, देखो मैं यूज भी आपको बता देता हूं। मैंने अभी अभी आपको बताया था यहां से आपके सिलेबस में ओनली टू क्वेश्चंस हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दोनों को प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है हाइगेंस की थ्योरी के बेस पर, जिसको हम यहां पर बात को क्लियर करेंगे, ठीक है। देखें जरा आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हमारा हेडिंग डालेंगे आप नंबर 6 पॉइंट बन जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर बात समझ में आ रही है, और किसके बेस पर लिखेंगे हम ध्यान रखना, बाय हाइगेंस प्रिंसिपल थ्योरी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय हाइगेंस प्रिंसिपल थ्योरी, इतनी बात समझ में आ रही है भैया, क्लियर इतनी बात, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं भैया, चले देखेंगे। अब हाइगेंस प्रिंसिपल को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन होता क्या है ना, ये तो हम जानते हैं, ये हमको भैया ने पढ़ाया है स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, और रिफ्लेक्शन सीधी सीधी सी बात है भैया, हमने आपको बताया है कि तीन रेज होंगी, मीडियम चेंज नहीं होना है रिफ्लेक्शन के अंदर, जिस मीडियम में वेव आई है, रे आई है, टकराने के बाद इंटरसेक्ट होने के बाद उसी मीडियम में वापस के वापस लौट जाएगी, यही रिफ्लेक्शन है, है ना। और इसका लो मैंने आपको बताया एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए, तो जल्दी जल्दी से बिना देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ले लेते हैं, देखें जरा लेट, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना, सीधा थ्योरी लिखेंगे और अपने डेरिवेशन को प्रूफ करके चलते बनेंगे। लेट पी क्यू इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, समझ में आ रही है बात, एक सरफेस लेंगे हम पी क्यू, जिसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल रहे हैं, ये लो जी Yeah.
ये बन जाता है पी और ये बन जाता है क्यू। इसको थोड़ा सा हम आगे और बढ़ा लेते हैं, समझ में आ रही बात है? ठीक है, चलो जो रे चलेंगी उसको मैं रेड लाइन से दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। ठीक है भैया, हमको पता है ये मीडियम वन है और ये मीडियम टू है, समझ में आई बात? और हम पढ़ रहे हैं क्या, रिफ्लेक्शन। तो मीडियम टू का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, रे फर्स्ट मीडियम में आएगी तो फर्स्ट में ही रहेगी, तो इसको तो आप हटाई दो। ठीक है ना, यहां पर इसकी कोई ज्यादा बात होगी, समझ में आ रही बात? चलिए ये लो, जो रे चलेगी याद रखना मैं उसको रेड पॉइंट से क्लिक करूंगा, ठीक है, और एरोस के ऊपर बना दूंगा जो आप ध्यान रखेंगे, समय आ रही बात? ठीक है, देखेंगे आप इससे आगे देखेंगे। और लेट आ वेव फ्रंट ए बी इज पुट ऑन दिस सरफेस इन दिस वे दैट, इस पर एक वेव फ्रंट रखा हुआ है और वेव फ्रंट कौन सा है, देखो जरा ये रहा वेव फ्रंट, ये एक वेव फ्रंट है जिसका नाम है ए बी। ठीक है, इस वेव फ्रंट को हमने सरफेस के ऊपर इस तरीके से रखा है कि पॉइंट ए जो है वो क्या हो जाए, बिल्कुल पॉइंट से मैच हो जाए सरफेस वाले पॉइंट से। लेट नाउ अ वेव फ्रंट ए बी इज पुट ऑन द सरफेस, एक सरफेस ये वेव फ्रंट है जिसको हमने इस तरीके से रखा है दैट द पॉइंट ए लाई ऑन द सरफेस पी क्यू, यानी हमें इस तरीके से रखा है कि पॉइंट ए कहां सरफेस के ऊपर रखकर और बी पॉइंट ऊपर रहे। क्लियर बात समझ में आ रही है, यहां तक की बात में कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी, यार समझ में आ गई बात? ठीक है, तो देखना जरा यहां से आगे की अगर मैं बात करूं, देखेंगे जरा ना, फर्स्ट द वेव्स emit from B towards PQ. This intersect the surface on point. क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही? ए डैश, देखो जरा मैंने क्या बात बताई, मैंने ये बात बताई है यहां से भैया कि पॉइंट ए से रे चली है क्या बताया मैंने, फिर दोबारा से देखेंगे आप कि पॉइंट ए बी से रे चली है और चल करके कहां पर आई है, इस इंटरसेक्ट पॉइंट पर आई है और इस पॉइंट का नाम मैंने क्या कहा है ए डैश। यहां पर भी मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं जिससे यहां पे जरूरत पड़े तो काम हमारा हो जाए। देखो सबसे पहले वेव फ्रंट बना था, ये वेव फ्रंट, इसको मैं इसके पेज के ऊपर में लिख देता हूं वेव फ्रंट, और यहां से पॉइंट बी से वेव चली है, कहां पर जाकर के रुकी है, ए पर जाकर के रुकी है। अगर मैं बोलूं आपसे दैट इज, तो रे कौन सी हो गई हमारी, इसको लिख लेंगे आप द रे इज बी ए डैश। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाहूं रे बी ए डैश की वैल्यू कितनी होगी तो बताना जरा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी कितनी होगी बी और टाइम कितना हो गया टी। क्लियर बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन नंबर वन हो जाती है, समझ में आ रही है बात, इतनी बात क्लियर है। अब यहां से आगे की अगर मैं बात करूं तो देखना जरा, देखो एट द सेम टाइम सेकेंडरी वेवलेट्स मैंने आपको बताया था, एट जिस पॉइंट टाइम पर यहां से वेव चल के वहां पर रही है बिल्कुल उसी टाइम, एट द सेम टाइम द सेकेंडरी वेवलेट्स मूव्स फ्रॉम द पॉइंट ए अपवर्ड
एंड इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी डैश। इतनी बात क्लियर आ रही है बात समझ में? यानी कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल एग्जैक्ट इसी टाइम जब यहां से यहां चलकर रे आई, यहां से ये रे चली, ये लो जी, और कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो गई? बी डैश के ऊपर, और इसको यहां से मिला दिया। आप ऐसा समझ ले यहां से हमने एक आर्क लगा दिया, ये लो जी आर्क लगा देते हैं ना, और इंटरसेक्ट पॉइंट ये रहा, इस पॉइंट का नाम कह दिया हमने बी डैश। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात? ये भी यहां पर एंगल बनेगा और यहां पर भी एंगल बनेगा, क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, क्लियर बात समझ में आ रही है? तो दूसरी रे क्या हो जाती है हमारी, ये ए बी डैश, ये सेकेंडरी वेवलेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंडरी वेवलेट्स यहां पर बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो सेकेंडरी वेवलेट्स जो बनेगा न्यू वाला, वो कौन सा बनेगा? ये काटने के बाद जो हमने इसको यहां पर मिलाया ये बनेगा, इसको लिख लेगा अपन न्यू वेव फ्रंट। डायग्राम एकदम रट जाना चाहिए आपको, मजा तभी है बात में, समझ में आ रही बात है? आपको चीजें तो बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है, तभी मुझको खुशी होगी, मैं सही आपको बता रहा हूँ। चलिए इधर आगे देखो भैया, अब अगर हम आगे की बात करें तो सेकंड रे यहाँ पर हो जाती है क्या? देखो एक तो ये आ गई हमारे पास और एक ये आ गई हमारे पास, सेकंड रे क्या हो जाएगी बताना जरा, ए बी डैश, और ये क्या वैल्यू बनेगी बताना जरा, वी इंटू टी, यहां से भी ये बनेगी और इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। क्लियर बात समझ में आ गई? तो दो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, एक तो ये हो जाएगी बी ए डैश और एक इक्वेशन हो जाएगी ए बी डैश। यहां तक की कोई बात समझ में आ गई? अब देखें भैया आगे, देखो जी इन ट्रायंगल्स, नाउ वी हैव टू ट्रायंगल्स दैट द फर्स्ट इज ए बी ए डैश, डायग्राम में दिखाई दे रहा है ना सभी को भाई, बड़े वाला एंगल ए बी ए डैश और सेकेंड एंगल क्या बनेगा, ए बी डैश ए डैश, ये दो ट्रायंगल बन गया। अब इन दो ट्रायंगल में अगर कोई भी तीन चीजें मैं एक दूसरे के क्लियर दिखा दूं तो क्या बन जाएंगे, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे देखना यार, देखो यार एक एंगल यहां से बनेगा, इंसिडेंट रे जो बनाया था एंगल आई जिसको आप बोलेंगे, और एक एंगल ये बनाएगा यहां से जिसको एंगल आर आप बोलेंगे। क्लियर बात समझ में आ गई? ये एंगल ही आपको क्लियर दिखा रहे, देखना यार। नाउ इफ यू टॉक फर्स्ट पॉइंट, नाउ द फर्स्ट पॉइंट दैट इज 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो देखना जरा ऊपर वाले ट्रायंगल में ए बी ए डैश इक्वल टू किसके हो जाएगा बताना जरा, ए बी डैश ए डैश, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहे, समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट आ जाओ, देखो साइड जो बेस है दोनों ट्रायंगल के बताना जरा इक्वल है या नहीं, जल्दी से बताओ, क्योंकि ये क्या है कॉमन है, बताओ जो बेस उसका है बड़े ट्रायंगल का, यही छोटे वाले ट्रायंगल का होगा ही होगा, समझ में आ रही है ना बात? बहुत इजी चीज है फिजिक्स, बहुत इजी चीज है, बस आपका मन होना चाहिए पढ़ने का, बेमन से पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे, ठीक है चले। और मन तो भैया लगाना पड़ेगा, समझ में आ रही है बात या नहीं, मन तो आपको लगाना पड़ेगा तभी जाके काम चल पाएगा, समझ में आ रही है? बाकी नहीं तो जैसे आपने पूरा ईयर निकाल दिया, पूरा साल निकाल दिया, तीन महीने और निकाल दो कुछ भी नहीं होगा, समझ में आ रही है बात? चले देखो जी, दो बातें क्लियर हो गई, थर्ड बात पर आ जाते हैं। थर्ड बात क्या हो रही है, देखो बड़े वाले ट्रायंगल की एक साइड है हमारे पास बी ए डैश, बड़े वाले ट्रायंगल में येलो साइड है बी ए डैश, दिख रहा है सबको, बिग ट्रायंगल में साइड है बी ए डैश, इसकी जो वैल्यू है बी इंटू टी वही वैल्यू किसकी है, छोटे वाले ट्रायंगल की एक साइड है ए बी डैश, ये क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है v into t। Now we can say that, लिख लेंगे इसको, we can say that ये वाला जो ट्रायंगल है वो छोटा ट्रायंगल है a b dash a dash, दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे ये कॉन्ग्रुएंस, इसको ऐसा साइन आप बना लेंगे, दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंस पूरे हो गए। Now अब दोनों दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो क्या कह सकते हैं, now we can say that जो एंगल है आपका कौन से वाला बी ए ए डैश, ये इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, बी डैश ए डैश ए के, है ना, और इन्हीं एंगल्स का नाम क्या है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, बताओ बच्चों मजा आया नहीं आया,
समझ में आई बात या नहीं? कितना इजी है हाइगेंस, और हाइगेंस के अकॉर्डिंग जितनी भी हम थ्योरिकल चीजें पढ़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा इजी है। सबसे इजी चैप्टर है न्यूमेरिकल, जबरदस्त आके पढ़ोगे तुरंत हो जाए अगर आपको थ्योरी याद है। अगर आपको थ्योरी लर्न है वेव ऑप्टिक्स में, हाइगेंस हुआ, इंटरफेरेंस हुआ, डिफ्रेक्शन हुआ, तो न्यूमेरिकल बहुत आसान से आप निपटा देंगे। समझ में आ रही है? चले जरा यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी आपको, तो ये बात समझ में आ गई। और लिख देंगे दैट इज द कंडीशन, दैट इज द कंडीशन ऑफ, किसकी कंडीशन है जल्दी से बताएंगे आप, रिफ्लेक्शन। और ये बात यहां से क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है कि रिफ्लेक्शन के रूल्स जो है वो लोगों करते हैं, फॉलो करते हैं रिफ्लेक्शन को, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। समझ में आई बात या नहीं? जल्दी से बताना जरा, इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है आपको या नहीं? रिफ्लेक्शन से रिलेटेड बात क्लियर हुई या नहीं? एक बार फिर दोबारा से चीजों को मैं रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों के सामने। फिगर को, फिगर बहुत अच्छे से मेंटेन होना चाहिए आपके माइंड में। देखो फिगर आप तैयार कैसे करते हैं, फिजिक्स के अंदर जितने भी डायग्राम होते हैं वो तैयार करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जितनी ज्यादा बार आप चीजों को बनाएंगे कॉपी के ऊपर उतनी ज्यादा चीजें आपको याद हो जाएंगी। सीधी सी फंडा है, चीजों को रिवाइज करें, बोलें और कॉपी के ऊपर छाप दें। जब ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी बचपन में, या अगर आप भी अभी भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हुए बच्चों को देखेंगे तो आपने देखा होगा जब ज्योग्राफी पढ़ी जाती है तो वो साथ में मैप जरूर रखते हैं। क्यों रखते हैं मैप साथ में बच्चों? क्योंकि जो चीज आपने देख ली, आपने समझ ली कि इसके बराबर में ये है, इसके बराबर में ये है, इसके बराबर में ये है, कहां पर सी है, कौन से कहां पर इसके बराबर में ये स्टेट है, इसके बराबर। अगर आप देखो जो चित्र हो जाता है ना, चित्र जैसा फोटो खींचता है, ऐसे ही फोटो खींचकर आपको अपने माइंड में सेव करना होता है। समझ में आ रही है? कुछ बच्चे तो इस चक्कर में होंगे, भैया फोटो कहां से खींचे, कैसे खींचे, किसको बुलाए। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं करना है, मैं आपको सीधी सी फंडा बता रहा हूं। आपको चीजें बार बार बोलनी है, रट्टा नहीं लगाना। रट्टा दूसरा चीज होता है, रट्टा होता है हाथ बंद करके लगे पड़े हो, आगे पीछे हिल रहे हो, हालत आ रहा है से, है ना। ऐसे भी मैंने बहुत बच्चे देखे करते हुए। लेकिन आपको क्या काम करना है, आपको इस तरीके की कोई चीज नहीं करनी है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, एक रजिस्टर अपने पास में रखें। समझ में आ रही है बात? देखो मैं जब पढ़ता था मैं तो क्या करता था, और डेस्क बोर्ड आता ना जिसके ऊपर आप पेपर देते हो, जिसको दफ्ती भी बोलते हैं हिंदी में, मैं क्या काम करता था, एक रजिस्टर लेता था रफ, जो काले पेजेस में आता रफ रजिस्टर, उसके जोड़े निकाले, जोड़ा हो गया मतलब रजिस्टर को गत्ते वत्ते फाड़ के उसके रजिस्टर निकाले, और रजिस्टर जैसे जी जोड़ा आ गया ना, बीच में पिन लगा रहता है, उस पिन पर से भी पेज को फाड़ा और इस तरीके से इकट्ठे करके पेज का एक बंडल बना लिया, और उस बंडल को पिन कर दिया, जो जब्ती होती है ना आपकी, जिस पेपर आप टेस्ट पेपर देते हैं एग्जाम में, उसके अंदर पिन लगा दिया। और मैं क्या करता था, एक बार सब पेपर को उस पर लिखता था, मैं चीजों को एक बार एक साइड से भरता था, फिर जब सारे पेपर भर जाते थे फिर उनको पलट के लगा देता था दोबारा से, और फिर उनके ऊपर चीजें रिवाइज किया करता था। समझ आएगा? सबकी मेंटेलिटी अपनी अलग होती है। आप, मैं ये नहीं कह रहा आपको बिल्कुल ऐसा करना है, लेकिन मैं आपको, देखो मैं आना आपको सजेशन दूंगा, मैं कभी भी आपके पास कोई बात थोपूंगा नहीं लाइफ में, कभी भी देख लेना, मैं आपको केवल एक सजेशन दूंगा बेटा, आप उसको अप्लाई करके देखिए अपनी लाइफ में। अगर आप बॉडी, आपकी बॉडी और आपकी फैमिली दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, हमारी बॉडी और हमारी फैमिली। समझ में आ रही है बात? हाँ, आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो दोनों चीजें अगर आप उस चीज को फॉलो कर पाते तो आपके लिए, नहीं कर पाते तो उसको छोड़ दो। ऐसा नहीं, अगर मैं कोई बात वो आपको कोई मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ या मैं कोई आपको तरीका बता रहा हूँ पढ़ने का, स्टडी का, तो वो बिल्कुल 100% सही हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बच्चा, समझ में आ गई बात? तो एक बार फिर दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, देखेंगे जिससे जरा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय हाइगेंस प्रिंसिपल थ्योरी, सबसे पहले हमने एक वेव फ्रंट लिया था ए बी, और किस तरीके से रखा था वेव फ्रंट को, कि पॉइंट ए कहां पर है, पृष्ठ के ऊपर रहे, सरफेस के ऊपर रहे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पॉइंट बी से एक रे चलेगी सरफेस की तरफ को, जो किस पर जाकर इंटरसेक्ट करेंगी ए डैश पर, तो पहली रे हो गई हमारी बी ए डैश, और उसकी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वी इनटू टी हो गया, मीडियम सेम है ना, तो वेलोसिटी भी सेम रहेगी, पूरे टाइम तो सेम है क्या, टाइम भी टीटी रहेगा, टीटी रहेगा, समझ में आ गई बात, और वेलोसिटी भी सेम रहेगी, वी और बी रहेगा। सेकंड बात क्या बताए, जिस टाइम यहां से चली उसी टाइम यहां से चली, ऐसे चली है, देखो ये ऐसे चली है, जब ये ऊपर से नीचे आ रही थी तो ये नीचे से ऊपर जा रही थी, और ये नीचे आकर ये ऊपर आके मिली, फिर यहां से हमने आर्क लगा दिया और आर्क को उस पॉइंट पर मिला दिया 90 डिग्री के एंगल पर, तो दूसरी वेव चल गई ए बी डैश, और ये जो हमने पॉइंट मिला है ये ही मिलने हमारा
न्यू वेवफ्रंट, पहला वेवफ्रंट ऐसे रखा था और दूसरे वाला हमको कैसे मिला, ऐसे मिला, इसी मीडियम के अंदर मिला है, रिफ्लेक्शन की पहचान है। समझ में आ गई बात? तो दूसरी रे होगी ए बी डैश, जो चलती है ए बी छोटी, दोनों ट्रायंगल यहां से मिल जाते हैं, दोनों ट्रायंगल को कांग्रेस प्रूव कर दिया और कांग्रेस प्रूव करने के बाद एंगल इक्वल ट्रायंगल हमने कह दिया और हमारी बात यहां पर क्लियर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, रिफ्लेक्शन बाय सेकेंडरी वेवलेट्स थ्योरी। ठीक है बच्चा, इसको अच्छे से पढ़ के आएंगे, तैयार करके आएंगे, इसको अच्छे से पढ़ के आना, तभी हम नेक्स्ट क्लास में आपको चीजें कराएंगे। ठीक है, जय जवाहर।